आपदा को कुछ निजी अस्पतालों ने कमाई का जरिया मान लिया है। रोगियों से अंधाधुंध वसूली की रोगियों को जो बिल थमाए जा रहे हैं वो वसूले गए रुपए से 80% कम है। इस महामारी में प्राइवेट कोविड अस्पताल संक्रमितों के लाखों रुपयों की वसूली कर रहे हैं। कानपुर में तुलसी अस्पताल की अवैध वसूली का मामला सामने आया है। शनिवार को अशोक नगर स्थित कानपुर जर्नलिस्ट क्लब में किदवई नगर निवासी अतुल देव ने बताया कि उनकी मां गीता गुप्ता ने वैक्सीन लगवाई थी, जिसके बाद उनको हल्का बुखार आया और उनका ऑक्सीजन लेवल 92 से 93 हो गया। इसके बाद ग्वालटोली थाना क्षेत्र के सिविल लाइन्स इलाके में स्थित तुलसी हॉस्पिटल में डॉक्टर आंचल कपूर को दिखाया तो उन्होंने माता जी को लंग्स इन्फेक्शन बताकर तुलसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। इसके 2 दिन बाद 23 अप्रैल को डॉक्टर आंचल कपूर ने मां की स्थिति खराब बताकर हॉस्पिटल के ICU में शिफ्ट कर दिया और रेमडेसिविर इंजेक्शन की तत्काल व्यवस्था करने को कहकर हॉस्पिटल के CMD अमर शंकर गुप्ता के पुत्र शेखर गुप्ता से मिलने को कहा। शेखर गुप्ता से मिले तो उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन 55,000 प्रति इंजेक्शन के हिसाब से देने को कहा। इसके बाद तुलसी हॉस्पिटल में प्रार्थी से उन्होंने प्रति सप्ताह 2,80,000 एडवांस जमा करवाया। 26 दिन में करीब 19,20,000 रुपए पीड़ित से दवा इंजेक्शन अस्पताल बिल लेवल टेस्ट के नाम से ठग लिए गए। इसके बावजूद पीड़ित की मां का सही से उपचार नहीं किया गया, जिसके चलते 17 मई 2021 को उनकी मृत्यु हो गई। मेरा नाम अतुल देव है। क्या मामला है आपका? मेरी माता जी श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती गीता गुप्ता जी 21 अप्रैल को कोविड हुआ था। वैक्सीन लगवाने के बाद में उनको फीवर आया तो लंग्स में इन्फेक्शन की वजह से तुलसी हॉस्पिटल में दिखाया, तो वहाँ पे उन्होंने आंचल डॉक्टर आंचल कपूर के अंडर में तुलसी हॉस्पिटल में एडमिट करा था। उसके बाद में 23 तारीख को उनकी हालत ख़राब हुई थी तो उनको ICU डॉक्टर आंचल कपूर ने बोला कि आपको ICU में शिफ्ट करना पड़ेगा और रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला रेमडेसिविर इंजेक्शन आप शेखर गुप्ता से मिलकर ले सकते हैं। तो हॉस्पिटल ने शेखर गुप्ता से मुझसे जब मैंने बात करी रेमडेसिविर के लिए तो उन्होंने कहा कि 55,000 रुपये का आपको एक इंजेक्शन पड़ेगा और आपको वो डॉक्टर PK यादव को आप पैसा दे के ले सकते हैं। तो डॉक्टर PK यादव से मैंने 55,000 रुपये के हिसाब से 6 इंजेक्शन लिए, जिनकी टोटल कॉस्ट 3,30,000 रुपये है जो इंजेक्शन लिए मैंने डॉक्टर PK यादव से। उसके बाद में इन्होंने हमसे हर हफ्ते 2,00,000 कोविड होने के बाद में, वैसे ही हमसे 23 तारीख से हर दिन 20,000-25,000 रुपये डेली जमा करवाते थे डेली का चार्जेस बोल के। उसके बाद में 30 तारीख को जब ये कोविड हॉस्पिटल हो गया तो उसके बाद से इन्होंने हर हफ्ते 2,80,000 रुपये हमसे जमा करवाए, जिसकी इन्होंने हमको कोई भी रिसीविंग नहीं दी है और कोई भी बिल में मेंशन नहीं करा। और 2,80,000 रुपये का इन्होंने बोला, पहले ही बोला था हमसे कि हमें ये कैश चाहिए होगा और हम इसकी कोई भी रिसीविंग और बिल नहीं देंगे, क्योंकि हमारी माता जी उस समय एडमिट थी तो हम इनसे रिक्वेस्ट करने के बाद में भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। टोटल कितने लाख रुपये आपसे अस्पताल ने लिए? हमसे अस्पताल ने पूरा खर्चा दवाई और लैब टेस्ट सब मिला के लगभग 19.5 लाख रुपए लिया है। कितने दिन एडमिट रही आप? और हमारी माता जी 26 दिन अस्पताल में एडमिट रही और 17 तारीख को उनकी जब डेथ हुई तो उसके बाद भी जब हम उनको लेके गए, उसके बाद में जब हम वापस आए अपना हिसाब किताब करने तो उन्होंने उल्टा हमसे 87,000-86,000 कुछ रुपये लेना बताया और बाकी उन्होंने बिल जो हमें दिया वो 6,51,935 रुपये का दिया, जिसमें उन्होंने 86,935 रुपये शायद लेना बताया। जो ये आप आरोप लगा रहे हैं, आपके पास रिसीविंग तो है नहीं, तो क्या प्रूफ है आपके पास कि ये सच है? मेरे पास में, क्योंकि मुझे मैं एक बार इनसे बिल मांगने गया था, ये लोग बिल नहीं दे रहे थे, बिल देने में आनाकानी कर रहे थे और इन्होंने मेरे को 2 दिन बाद बुलाया, तो इसलिए जब अगले दिन मैं 2 दिन बाद गया था तो मैंने इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग बनाई है जिसमें ये स्वीकार करते दिखे हैं कि इन्होंने 2,80,000 रुपये हमसे लिए हैं। इन्होंने हमें धमकाया है कि उनके की अस्पताल के जो CMD हैं अमर शंकर गुप्ता, इन्होंने 4-4 वकील पाल रखे हैं, आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे इसलिए मामला सेटल कर लो। इवन उन्होंने हमसे मामला सेटल करने के लिए बोला कि आप हमसे 1,35,000 रुपये के आसपास ले लो और आप अपना मामला हमें लिख के दे दो कि आपको हॉस्पिटल से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हम इस पर एग्री नहीं हुए और हमने सेटलमेंट नहीं करा। इसकी शिकायत आपने कहाँ पर की? इसकी शिकायत हमने DM ऑफिस में कंप्लेन दी हुई है और कमिश्नर ऑफिस में एप्लीकेशन दी हुई है और
ग्वालटोली थाने में एसओ साहब को एप्लीकेशन दी हुई है, सीएमओ साहब को एप्लीकेशन दी, किसी ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है अभी तक, मेरी एफआईआर नहीं हो पाई अभी तक। 15 से 20 दिन हो गए हम लोग भाग रहे हैं, लेकिन अब तक कहीं भी मुकाबला वो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मैं कह रहा था कि जो जो पैसे का जो प्रूफ है जो 6 लाख का दे रहे हैं, तो उसी समय पे जितने दिन इनकी माता जी वहाँ पे भर्ती रहेंगी, तो वो 21 तारीख से लेके और 17 तारीख तक वहाँ के हॉस्पिटल के बगल के एटीएम से इन्होंने पैसा निकाल के दिया है, जो लगभग 13-14 लाख रुपए का बनता है, जो नगद निकाल के दिया गया है। बाकी जो पैसा दिया गया है वो और दिया गया है, लेकिन जो 14 लाख का वो भी प्रूफ है कि हमने वहाँ से कैश निकाल के इनको दिया। आपके पास वीडियो जो है उनमें कौन है और क्या कह रहा है, क्या प्रूफ है उसमें? हमारे पास, हमने जो रिकॉर्डिंग करी है उसमें डॉक्टर पीके यादव हैं, वो ये स्वीकार करते दिखे हैं कि उन्होंने 55-55 हज़ार रुपये में हमें रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचा है, 2,80,000 रुपये इन्होंने हमसे प्रति हफ्ते के हिसाब से मांगा और कैश मांगा है। जिस तरीके से हमने आपको पहले भी बताया है कि पहले हम कैश नहीं दे पाए पहले हफ्ते, तो इन्होंने हमारी मम्मी को डिस्चार्ज करने के लिए आईसीयू से बोला था, वो भी रिकॉर्डिंग के रूप में साक्ष्य हमारे पास मौजूद है। उसके अलावा इन्होंने हमें सेटलमेंट के लिए इनके पास जो अमर शंकर गुप्ता हैं पार्टनर, सीएमडी के पार्टनर, उनके पास भेजा, जिनका नाम उमेश चंद मिश्रा है, उनके पास भेजा। पहले हमको ये लिख के दीजिए कि कुलदीप हॉस्पिटल इंडिया मेरा ये बिल मेरे को प्राप्त हुआ, हमको उसमें कुछ डिस्काउंट करके दिया जाए, आप लिख के दोगे? अंकल 10 लाख में पैसे तो हम बात यार, अगर सेटलमेंट चाहते हो तो अंकल आप समझो तो बात को, आप हम समझ रहे हैं, हम सब कुछ समझ के ही बोल रहे हैं कि हमको इस पर डिस्काउंट दिया जाए। हम अपने ही पैसे के लिए हम कह रहे कि बस मतलब हमें अपना ही पैसा वापस लेने के लिए ऐसे करना पड़ेगा अंकल? ले जाओ ना, फिर जाकर मुझे बात के बात कर लो, हमारा भी सामान नष्ट कर रहा हूँ, हम भी कुछ ले जाए, क्या करना है आप लिखिए ना सर, क्या कि 1.5 लाख रुपए का नहीं, आप लिख के दीजिए कि मतलब कि महोदय मैंने बिल मतलब प्राप्त किया, इसमें हमको कुछ डिस्काउंट करने की कृपा करें, आप लिख के दीजिए, आप लिख के दीजिए ना कि आप डिस्काउंट मांग रहे हैं, मतलब कि मतलब और बल हम तो कहेंगे आप लिख के मतलब दीजिए कि हमको डिस्काउंट मतलब कि मतलब दिया जाए, हमको ये बिल प्राप्त हुआ है, अरे काहे का डिस्काउंट दे रहे हैं अंकल, मेरा पैसा मेरा ही पैसा, दवाई बैठे उस पे भी। वही मैं बात कर रहा हूँ कि हम कानून मतलब प्रक्रिया से मतलब बने, जो आपने गलती करी मैं वो गलती नहीं करना चाह रहा हूँ, जो आपने गलती करी मैं वो गलती नहीं करूँगा, मैं हर चीज राइटिंग में फिर चलूंगा, और डिस्काउंट आपके एप्लीकेशन के बाद उस पर हम डिस्काउंट लिखेंगे, फिर उसके बाद आपसे फिर हम लिखाएंगे पैसा देने से पहले कि मैंने डिस्काउंट प्राप्त। तो मतलब आप बेईमानी में उनके भागीदार बनना चाहते हो, आप पैसे बोलो। हाँ, आप ये क्यों यार, मतलब देखो तो जहाँ पे लोग जितना पैसा मांग रहे उतना पैसा फेंक रहे हैं सर, कैसे पैसे फेंका है, मतलब 55-55 हज़ार के इंजेक्शन लिए आपसे सबसे, मतलब बेवकूफों की तरह सब अकाउंट 2-2 हज़ार रुपए का इंजेक्शन, आप सोचिए आपसे हमने 55-55 हज़ार रुपए का लिया सर, रेमडेसिविर लिया कि नहीं लिया, क्यों लिया, ताकि मेरी मम्मी सही हो जाए। तीनों अकाउंट खोल के दिखाए, तीनों अकाउंट खाली हो गए हैं, तब भी क्योंकि किसी तरह की मम्मी बच जाए, जो जितना बताया उन्होंने वो मतलब 20-30 हज़ार रुपए की दवाइयां उन्होंने पर डे है, दवाई चला रही थी सर 30-30 हज़ार रुपए की, अभी कोविड में हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, वो बोल रहे कि 20,000-30,000 की कौन सी डेली दवाई, इसकी कौन सी दवाई लगती, कौन सी दवाइयाँ चल रही, 20,000-30,000 रुपए की सही हो रहा है, जो जितना लेना है लेते रहो, 30,000 रुपए 20,000 रुपए की डेली की दवाइयाँ चली है, हमने कहा कोई बात नहीं है, जो हो रहा है होन दो, मतलब वो है मतलब इंजेक्शन आप समझे कि 3 लाख रुपए के इंजेक्शन लिए, आप तो सब जानते ही हो, आपसे लिए 3 लाख रुपए के इंजेक्शन, आप समझ रहे हो जिनकी कीमत केवल कितनी है, 2,000 रुपए के इंजेक्शन है, अरे सर 2,000 के इंजेक्शन 12,000 उसकी 50,000-55,000 की है, कभी सोचा ही नहीं पैसे खर्च करते हो कि हाँ मम्मी सही हो जाए, उसके बाद भी ऐसी लापरवाही सर, मैं सोचो क्या बीत रहा होगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।